मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में 18,527 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर के आखिर में शुरू हो जाएगी और शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क 60% से घटाकर 50% कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए भर्ती नियम 2018 में संशोधन किया है। लोक शिक्षण के आयुक्त अभय वर्मा ने बताया कि संशोधन के अनुसार रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग संयुक्त पर काउंसलिंग करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग ने स्कूलों में 11,098 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, उन तमाम छात्राओं के लिए बेहद अच्छी खबर है जो कि शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे, क्या है पूरी प्रक्रिया, क्या है पूरी खबर, अपडेट दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में 18,527 प्राइमरी शिक्षकों की एक साथ भर्ती की जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, दो तरह से भर्तियां होती हैं एमपी में। एक स्कूल शिक्षा विभाग जो स्कूलों को संचालित करता है उसके तहत भर्तियां की जाती हैं, जबकि प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंड में जनजातीय कार्य विभाग स्कूलों का संचालन करता है, तो उन स्कूलों में भी शिक्षकों की भर्तियां होंगी। देखिए, करीब 7,500 के आसपास जो भर्तियां हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत की जाएंगी, जबकि 11,000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत यानी कि 89 जनजातीय विकास खंडों में किया जाएगा। और सबसे अहम खबर यह है कि इस बार जो भर्ती की प्रक्रिया होगी उसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग को यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग को विशेष राहत देने की कोशिश की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने देखिए जो 2018 का नियम है उसमें संशोधन किया है। अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइंग नंबर 50% होगा, जबकि ये पहले 60% होता था, यानी कि 10% घटा दिया गया है। जबकि जनजातीय कार्य विभाग इस पर काम कर रहा है, यानी कि जल्द ही जनजातीय कार्य विभाग के जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में बैठते हैं, पात्रता परीक्षा में बैठते हैं, उन्हें भी 50% तक का मौका मिल सकता है। फिलहाल इस बार का जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी और नई जो ईडब्ल्यूएस के तहत संशोधन किया गया है उसी संशोधन के तहत भर्ती की प्रक्रिया होगी, यानी कि जो पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अंक है वो 50% ही माना जाएगा। इंतजार कर रहे थे भर्ती प्रक्रिया का, उन तमाम छात्रों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब अक्टूबर के आखिर तक की जाएगी।